तो आज जिस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है उसका नाम जनसंघ था। आरएसएस भाजपा ने क्या किया? अच्छा गिनती होनी चाहिए, चलो ठीक है 52% ओबीसी में से एक आदमी को हम गिनते हैं, नरेंद्र मोदी को उन्होंने गिना कि हाँ ये ओबीसी है, ये ओबीसी है, अब देखो इसको प्रधानमंत्री हम बना, ये एक आदमी ओबीसी का है, कहा उन्होंने, ये काल्पनिक बातें नहीं कह रहा, नहीं नहीं ये ओबीसी का है, ये ओबीसी को वोट दो, ये ओबीसी का है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ गिनती जाए ना, देखो एक आदमी को हम गिनते हैं, एक आदमी को गिना तो 52% ओबीसी के लोग खुश हो गए। मगर एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी ओबीसी का करंट डाटा नहीं है। आज से 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले यानी 2014 के आसपास और उससे भी पहले से हम लोगों के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए देश भर में जनजागरण का, महाजागरण का अभियान चलाया गया और जहाँ संभव हो भारत बंद करने का भी काम किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि आरएसएस के लोगों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा इसको काउंटर करने के बारे में उनको सोचना पड़ा और सोचकर उनको एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री इस बात को काउंटर करने के लिए बनाना पड़ा। नरेंद्र मोदी को उनके पास बहुत सक्षम आदमी, उसको घर में बिठाकर नरेंद्र मोदी को लाया गया। आप लोगों को याद होगा कि 1952 को प्रथम लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो आज जिस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है उसका नाम जनसंघ था और जनसंघ को सारे देश भर में कैंडिडेट खड़े करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे थे। अगर आप लोग चुनाव का डाटा अवेलेबल है, चुनाव के साइड में अवेलेबल है, भारतीय जनता पार्टी को जिसका नाम उस समय जनसंघ था उस समय कैंडिडेट खड़े करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे थे और जो आदमी मिले उनके तमाम लोगों के डिपॉजिट जब्त हो गए। मुझे नहीं लगता हमारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ज्यादातर उनका जय जयकार करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जो जितना ज्यादा जोर से जय जयकार करेगा वो उसके साथ जाते हैं। जो महापुरुषों के नीतियों पर काम करेगा ना उसके साथ नहीं जाते। एक समस्या है, इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। इस समस्या के समाधान को ढूंढने में हम लोग लगे हुए हैं मगर ये जो काम हमने शुरू किया, प्लानिंग बनाकर शुरू किया और ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा हमने राष्ट्रव्यापी बनाया, ये गिनती होनी चाहिए। आरएसएस भाजपा ने क्या किया? अच्छा गिनती होनी चाहिए, चलो ठीक है 52% ओबीसी में से एक आदमी को हम गिनते हैं, नरेंद्र मोदी को उन्होंने गिना कि हाँ ये ओबीसी है, ये ओबीसी है,
अब देखो इसको प्रधानमंत्री हम बना रहे। सारे ओबीसी के लोग खुश हो गए, अभी गिनती करने की जरूरत क्या है। मैंने कुछ लोगों को पूछा, भाई वो अभी एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया तो अब तो गिनती होनी चाहिए। बोला अभी क्या जरूरत है, क्यों? अरे गिनती भी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो करना था ना, तो गिनती किए बगैर प्रधानमंत्री हो गया तो गिनती करने की जरूरत क्या है। चला मैं सोच ही नहीं पाया कि इतना आगे लोग सोच सकते हैं। मैं सोचता हूं कि मैं जरा आगे सोचता हूं, मेरे को भी पता नहीं चला कि लोग इतना आगे सोचते हैं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती को काउंटर करने के लिए आरएसएस के और भाजपा के लोगों ने देशवासियों को कहा गिनती चाहिए। चलो देखो देखो, एक आदमी ओबीसी का है, कहा उन्होंने, ये काल्पनिक बातें नहीं कह रहा, उन्हें नहीं, ये ओबीसी का है, ये ओबीसी को वोट दो, ये ओबीसी का है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ गिनती चाहिए ना। देखो एक आदमी को हम गिनते हैं, एक आदमी को गिना तो 52% ओबीसी के लोग खुश हो गए, और अब गिनती करने की जरूरत क्या है, क्योंकि गिनती भी किस लिए करना था, प्रधानमंत्री बनाने के लिए करना था। गिनती किए बगैर प्रधानमंत्री बना दिया तो अब गिनती की जरूरत क्या है। तब मुझे बात समझ में आई कि लोगों को अभी बहुत ज्यादा जगाने की जरूरत है कि एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाने से हम लोगों को जो संविधान में हक और अधिकार है उस हक और अधिकार को अमल में नहीं लाया जा सकता। जो ब्राह्मणवादी नीतियां है वो क्या है, अगर आप मोदी को पूछो कि देश में कुत्ते कितने हैं तो बोलेंगे हमारे पास जानकारी है, हमारे पास जानकारी है कुत्ते कितने हैं, हमारे पास जानकारी है। फिर पूछो मोदी को काटने वाले कुत्ते कितने, वो भी जानकारी हमारे पास है। सज्जन कुत्ते कितने हैं तो उन्होंने पूछा ही नहीं कि सज्जन कुत्ते कौन से होते हैं, कहा कि हमें मालूम है। क्या कौन से? जो काटता नहीं है वो चाटता है, काटता नहीं जो चाटता है नजदीक जाने के बाद वो सज्जन कुत्ता। काटता और चाटता दो दो कुत्ते होते हैं ना, एक तो काटता है और एक नजदीक में आकर चाटता है, तो बोलते हैं ये चाटने वाला जो कुत्ता है ये सज्जन कुत्ता है। उसका भी डाटा हमारे पास है। इसका मतलब है मोदी के पास जानवरों की गिनती है और मोदी को पूछो ओबीसी कितने हैं, बोलो अंग्रेजों के जमाने का डाटा हमारे पास है, तो अभी भी वो अंग्रेजों के जमाने का डाटा है, मगर एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी ओबीसी का करंट डाटा नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी से अलग होकर जब लालू के साथ गठबंधन करके चीफ मिनिस्टर बना तो वहां गिनती किया बिहार में तो संख्या निकली 64%। सारे देश के लोगों को यही मालूम है 52% है, मगर बिहार में जब गिनती हुई तो पता चला ये 64 है। तो सारे देश भर में अगर गिनती की जाती तो पता चलता सारे देश भर में भी है, हो सकता 65 हो 66 हो, ये भी पता चलता। हम महाराष्ट्र के लोग ब्राह्मणों को चिढ़ाने के लिए अबे तू 3.5% है, महाराष्ट्र में 3.5 भी है कि नहीं साला ये भी पता नहीं है। चटनी साहब मैं आपको बताता हूं, मेरा गांव है एक बामन था, अब साला 3.5 में नहीं आता, वो
मेरे गांव का उदाहरण दे रहा हूं, मेरे गांव में 2000 लोगों की बस्ती, एक घर बामन का, तो सारे दिन में कैसे आएगा वो एक नंबर, मतलब इसमें भी नहीं आता, 1% में भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से, और वो भी जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो गांव छोड़ के चला गया, अभी साला एक भी नहीं है। तो हमारे लोगों को दूसरे गांव से काम चलाने के लिए बामन को बुलाना पड़ता है। अरे मैंने कहा भी बामन को क्यों बुलाते हो, तो वो मानसिकता है कि धार्मिक कार्य करने के लिए ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है। मैंने पूछा क्यों, ब्राह्मण ही तो धार्मिक होता है, सारे दुनिया में लोग धार्मिक होंगे मगर ब्राह्मण धार्मिक नहीं होता, ब्राह्मण कभी भी धार्मिक नहीं होता, ब्राह्मण धार्मिक छोड़कर सब कुछ होता है, ब्राह्मण धार्मिक छोड़कर सब कुछ होता है। आम आदमी सारे देश और दुनिया में हमारे धर्म किसको मानते हैं, मैं आपको मजाक करने के लिए बता रहा हूं। गांव देहात में कोई आदमी धर्म किसको मानता है, लोग परेशानी में हैं, डिफिकल्टी में हैं, संकट में हैं, उसमें अगर आप मदद करो तो बोलते हाँ ये धार्मिक काम है, संकट में फंसे हुए आदमी को मदद करो तो लोग हाँ ये धार्मिक काम है। गांव देहात में ऐसी मान्यता है, गरीब आदमी को मदद करो हाँ ये धार्मिक काम है। तो ब्राह्मण ऐसा करता है, करता है, उसको संकट में कैसे डाला जाए वो काम करते रहता है। ब्राह्मण कभी किसी को संकट में निकालने के लिए मदद करने का कोई कैरेक्टर, या ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण को ऐसे पढ़ाया जाता है मदद करने के लिए किया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें, केवल मोटी मोटी बातें आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, ये प्रचार करने के लिए आज के तारीख में हिंदू कहते हैं, ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। ब्राह्मण के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म जो वर्ण व्यवस्था को मानता है और समाज को चार टुकड़ों में बांटता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो भी ऐसा नहीं, ये हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल होने से क्या होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बराबर, ऐसा अगर है होता तो ये बराबर माने जाते, ये वर्टिकल है।